हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी रेडीमेड लहंगे को कैसे स्टिच करें, इसमें फिटिंग कैसे दें। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, उसको दोनों साइड से हल्का सा मैंने यहाँ से उधेड़ लिया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फिटिंग करनी है, और हल्का सा मैं इधर से उधेड़ लेती हूँ इसको। ये देखिए, मैंने उधेड़ लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसमें एक स्लाइस में यहाँ पे भी है, दोनों साइड से ऐसे ही उधेड़ लेती हूँ मैं इसको। दोनों साइड से एक एक इंच दबाऊंगी मैं इसको। इस पे एक सिलाई यहाँ पे है, इसको यहाँ से भी। इसको दोनों साइड से ऐसे उधेड़ देती हूँ। देखिए, मैंने उधेड़ लिया है। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें मैं फिटिंग का निशान लगाती हूँ एक इंच का। देखिए, निशान लगाऊंगी मैं पूरा एक इंच का। और इसमें नीचे तक सिलाई लगाती हूँ। एक स्लाइस के ऊपर लगाती हूँ।
यहाँ से स्टोन में हटा लूँगी जो भी एक दो सिलाई में आएगा, वरना एक तो पहले ही काफ़ी मोटा हो रखा है, इससे सुई टूटने का भी डर रहता है। तो मैंने देखिए सारे स्टोन साइड में से हटा लिए हैं, ऊपर तक ही हटाऊंगी और ये ज़्यादा दूर तक भी नहीं हटाने, बस थोड़ा सा ही। सेम इधर से भी ऐसे ही। अब ये देखिए आप, इसको बहुत ही धीरे से चलाएंगे मशीन, ये अब इसके नीचे कैन कैन आ गई है, तो थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो रही है मशीन चलने में। तो जितना हो सके उतना आराम से चलाना आप, थोड़ा जल्दी मत करिए। यहाँ से दबाते रहे इसको, ज़्यादा कर सकते हैं तो, पर ज़्यादा मोटा है तो ऐसे थोड़ा सा ठोक लेना चाहिए हमें सीजर से। इसमें कैन कैन नीचे से ही थी 8-10 इंच की, बस ज़्यादा नहीं थी। अब नॉर्मल सिलाई आ गई है। अब जितने में चैन लगाएंगे चैन का हिस्सा छोड़ के बाकी सारे में सिलाई लगा लेना ऊपर। यहाँ तक करूँगी, इसके बाद इसमें चैन लगाऊंगी, चैन लगाऊंगी मैं इसमें 7 इंच में। ये हो गई है सिलाई। अब मैं आपको बताती हूँ चैन कैसे लगानी है। यहाँ पे हल्का सा ही कट करेंगे, बहुत ही हल्का सा, नाम मात्र का। यहाँ से मैं इसको अंदर तक खोल लेती हूँ। ये देखिए इस पर मैं एक सिलाई लगाऊंगी, ये मैंने चैन ले लिया। मेरे को क्या करना है, इसको यहाँ पे रखनी है, खोल लेंगे इसको। चैन को थोड़ा सा इधर से ऐसे पलट लेना हल्का सा, देखो जैसे ये है ना, इसको कैसे करना है, हल्का सा
नेल से ऐसे करनी है और ये इधर पलट जाएगी। एक बार देख लेते हैं इधर, ये देखिए। एक बार इसको चैन को बंद करके देख लेते हैं कहीं कोई सिलाई में ज़्यादा तो नहीं आ गई कहीं से, क्योंकि फिर सिलाई में ज़्यादा होगी तो आ जाएगी नहीं। ये सही बंद हो रही है। अब सेम उसी तरह से दूसरी वाली पे लगाते हैं। अब मैंने दूसरी वाली जिप को रख लिया है। अब मैं इस पे भी उसी सेम उसी तरह सिलाई लगाऊंगी। हल्का सा इसको खोलती रहूँगी यहाँ से और सिलाई चलाती रहूँगी। ये देखिए, एक स्टोन है इसको निकाल देती हूँ। देखिए एक बार मैं आपको कंप्लीट चैन बंद करके दिखा देती हूँ। अब देखिए सेम उसी तरह चैन को उल्टी करेंगे और हल्का सा खींचते रहेंगे और दूसरी साइड दूसरे हिस्से पर चैन लगाएंगे। अब देखिए इसको ऐसे सीधा कर लेते हैं। ये देखिए हमारी चैन लग भी गई है और बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। ये चैन लग के रेडी हो गई है। एक सिलाई क्या करना है, यहाँ पे लगा देनी है ऐसे ताकि ये अंदर ना जाए। और एक एक पंजे की सिलाई यहाँ पे लगाएंगे, इससे चैन में अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी।
चैन पे सुई टूटने का डर रहता है, तो थोड़ा ध्यान से ही करना। अब इसको क्या करेंगे, इधर डबल सिलाई करेंगे बहुत ही आराम से। और अब इसको वहीं से सिलाई दूसरी साइड भी लेके आएंगे। क्यों, अब बस ऊपर बेल्ट रह गई मेरी। ये देखिए, सिल्क में लहंगा है। बेल्ट देख लेती हूँ कितना है, 19.5 इंच। ये देखिए, ये चैन इतनी अच्छे फिनिशिंग से लगती है जिस तरह से मैंने लगाई है। अगर आप लोग भी ऐसे ही लगाएंगे, एक तो चैन चमकती भी नहीं और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। देखो, तो अब जो मैं एक्स्ट्रा है इसको काट देती हूँ। ये देखिए, अब इसको चैन को नीचे करेंगे। और सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको जोड़ देते हैं। ये ऐसे किया डबल फोल्ड, और ये यहाँ से किया ऐसे, और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है सिलाई इसी पे लेंगे हम। इस पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, डबल सिलाई करेंगे। करती हूँ अब इस पे बेल्ट पे अंदर फोल्ड करके इसको सिलाई लगाऊंगी। ऊपर वाले कपड़े को थोड़ा खींच के रखना है, नीचे वाले को थोड़ा लूज ही रखना है। ये देखिए, बेल्ट पर कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। ये अंदर फोल्ड कर दिया मैंने, पहले से भी अच्छी फिनिशिंग आ गई है, पहले उतना फिनिशिंग नहीं थी। अब मैं इसको आपको जिप चैन लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, और यहाँ पे एक बटन एक आई और हुक लगा देंगे, एक आई करेंगे और एक हुक लगा देंगे, ताकि कई बार चैन लूज होने का डर रहता है ना, वो ना हो। ये देखिए दोनों साइड से। अब मैं आपको कंप्लीट लहंगा दिखा देती हूँ, जो बिल्कुल एकदम रेडी हो गया, बस इसकी लटकन रह गई है। ये देखिए, आपको ये वाला जोड़ दिखा देती हूँ। इसमें भी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, देखिए कहीं पे भी झोल नहीं है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है इस पे भी। ये देखिए आप, तो अब मैं इसकी बनाऊंगी
नाड़े की लटकन। ये इसका नाड़ा आ गया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ लहंगे की लटकन। ये देखिए मैंने 4 पीस काट लिया है सेम साइज के। अब इसको क्या करती हूँ, मैं यहाँ ऐसे करूँगी और इसको यहाँ पे रखूँगी, ऐसे ऐसे सिलाई लेके आऊँगी। चारों को सेम ऐसे ही सिलाई करूंगी मैं। ये देखिए मैंने चारों सिल लिए हैं। अब इसको मैं अलग अलग कर देती हूँ चारों को। और इनको करती हूँ अब मैं सीधा। चारों को सेम उसी तरीके से मैं सीधा करूंगी उनको। एक कांग है। एक पीस किधर गिर गया। चलिए उसको भी मैं सेम ऐसे ही कर लेती हूँ। एक दो तीन। एक मेरे पास में ग्रीन कलर की लेस है, इस पे मैं ये देखिए मैंने चारों पर सेम सेम लेस लगा ली है सेम साइज की।
ये देखिए मैंने 4 सेम लेस और कट कर लिए हैं। अब मैं देख इसको फिर से स्टिच कर देती हूँ, एक डिज़ाइन और बना देती हूँ। ये देखिए मैंने चारों पे सेम लेस एक बार और अटैच कर लिए। अब मैं लगाती हूँ इसको डोरी में। ये मैंने नॉर्मल सी मार्केट से ले लिया है, 20 रुपीज़ की दो लटकने। ये देखो ये ज़्यादा लहंगे के हिसाब से तो कोई हैवी नहीं है। अब मैं इसको देखिए कितना हैवी बना देती हूँ। ये देखिए सेम इसी तरह दूसरे वाले पे भी स्टिच कर लेती हूँ इसको। ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं कट कर लेती हूँ। अब इसको मैं पलट देती हूँ। ये देखिए इसको भी पलट देती हूँ। इस पर एक सिलाई लगा देती हूँ और इस पर भी सिलाई लगा देती हूँ। ताकि ये इधर उधर ना खिसके। मेरे पास एक और रखा है, ये एक एक और अटैच कर देती हूँ मैं। बस एक चीज़ और करती हूँ हल्का सा।
हल्का सा एक एक बैल और लगा देती हूँ मैं इसमें सुंदर सुंदर से। सेम ऐसे इसमें भी लगाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, लहंगा मेरा बनकर रेडी हो गया है। ये देखो कितना प्यारा, सेम मैचिंग इसमें येलो ग्रीन और रेड, और सेम ही मैंने इसकी लटकन बना दी है येलो ग्रीन और गोल्डन।